सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। माय सेल्फ अभिषेक, बिना किसी देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो भाई आज हमारे सामने खड़ी है KTM Duke 390। आप देख सकते हैं भाई यहाँ पे दी ऑल माइटी लेजेंड KTM Duke 390 1x1 करके सारी स्पेसिफिकेशंस वगैरह की बात करेंगे। ये BS6 बाइक है, 2023 के अंदर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। लेटेस्ट लॉन्च है अभी Duke 390 का। ओके, यहाँ पे आप इथेनॉल 20 की भी बैचिंग देख सकते हैं, इथेनॉल 20 पेट्रोल डला के भी आप इसको चला सकते हैं। अब फ्रंट से बात करते हैं भाई, 1x1 करके सारे स्पेसिफिकेशंस वगैरह की बात करेंगे। इसके फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट में आपको 17 इंच अलॉय व्हील देखने के लिए मिल जाता है, ट्यूबलेस टायर देखने के लिए मिल जाता है जो पूरा है। ओके, और ये मीटर श्लीन का कोई करके कोई टायर है, ये मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा ढंग से, आप देख लेना। और ट्यूबलेस टायर है, 110/70 का आपको टायर देखने के लिए मिल जाता है। ओके, आगे का जो टायर है वो काफ़ी ब्रॉड है यार वैसे देखने में। मडगार्ड की बात करें तो ग्लॉसी ब्लैक है, पूरा कलर ही ब्लैक है ये, और इसमें कहीं पर भी ऑरेंज टच नहीं है। बस यहाँ पर एक चैचिस में ऑरेंज टच है और स्टिकर्स में ऑरेंज टच है, बाकी कहीं पर भी आपको इतना कोई खास ऑरेंज टच देखने के लिए नहीं मिलेगा। और कलर भाई एक नंबर है यार, पूरा ब्लैक अलॉय व्हील, एकदम ब्रॉड लग रही है बाइक देखने में भी, इतनी प्यारी लग रही है ना क्या बताऊँ आपको। फ्रंट से बात करते हैं तो भाई अपन फ्रंट से बात कर रहे थे, 17 इंच मैंने आपको बताया था अलॉय व्हील देखने के लिए मिल जाएगा आपको। 3.5 mm की आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगी बाइवर्स के कैलिवर्स के साथ। ओके, WP Apex के आपको सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाते हैं, और रेडिएटर आपको यहाँ पर रेडिएटर तो वहाँ पे आता है, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ आपको रिफ्लेक्टर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको LED लाइट देखने के लिए मिल जाती है, DRLs डे टाइम ऑन वाली। ओके, ये Duke 250 में भी सेम एज इट इज़ आती है लाइट, देखने में यार बहुत तगड़ी लग रही है भाई लाइट। आगे से इंडिकेटर्स की बात करें तो LED इंडिकेटर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और पीछे भी आपको LED इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं यार इसके मेन मीटर की, तो मीटर में आपको भाई काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है। क्यूक शिफ्टर इसमें आता है। ओके, ऑटो ब्लिपर इसमें नहीं आता है, वो चीज़ थोड़ी सी लगी कि ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। शिफ्टर्स यहाँ पे RPM मीटर में आप कब गियर शिफ्टिंग करना चाहते हैं सब कुछ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा भाई। बहुत फीचर है इसमें, आपका भी मीटर ऑन करके देखना, इसका आपको बहुत फीचर्स दिख जाएंगे। इसमें बैटरी नहीं है इसलिए मैं इसका मीटर ऑन नहीं कर सकता, ये देखो। ओके, बात करते हैं यार इसकी कीज़ की, तो इसकी ऐसी कुछ चीज़ आपको कीज़ देखने के लिए मिल जाती है, और यहाँ से आप सेट भी कर सकते हैं पूरा कंप्लीट कि कौन से मोड पर आपको चलाना है, कौन से क्या, मतलब यहाँ से आप पूरा कंप्लीट इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं मीटर के लिए। और मीटर यार काफ़ी देखने में तगड़ा है भाई, और पूरा TFT डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाएगा मीटर के अंदर। यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कि आपको कौन से, मतलब कि लीवर को आप सेट कर सकते हैं, आपको कैसा टाइट चाहिए लीवर या कम टाइट चाहिए, जैसा भी आपको चाहिए वैसे आप यहाँ से गियर लीवर भी सेट कर सकते हैं और क्लच लीवर भी सेट कर सकते हैं। ओके, 13.4 लीटर का आपको फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाता है। Duke 390 की आपको बैचिंग देखने के लिए मिल जाती है राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ, आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। बात करते हैं यार सीट की, तो सीट की जो कुशनिंग है वो काफ़ी अच्छी है। ये देखो यार, Duke 250 और Duke 390 की सेम सी सीट है, यहाँ पे भी KTM आपको देखने के लिए मिल जाएगा ब्रांड में। और यहाँ पे आपको ये देखो स्टिकर्स वर्क थोड़ा सा देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे ये देखो पैटर्न्स बने हुए देखने के लिए मिल जाएंगे Duke 390 सेम एज इट इज़। आपको पीछे की जो सीट है वो इतनी कंफर्टेबल नहीं है, बट आगे वाली जो सीट है वो काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल है। पीछे वाली सीट तो थोड़ी ब्रीक जैसी है यार, मतलब ईट टाइप सी है। अब बात करते हैं यार इसके इंजन की, जो मेन चीज़ है जो पावर मतलब इतनी जनरेट करके देता है भाई इंजन इसका, आपको इसका 390 cc का इंजन देखने के लिए मिल जाएगा। लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर आपको इंजन देखने के लिए मिलेगा, 6-speed गियर बॉक्स विद 1 down बाकी सारे अप। ओके, यहाँ पे आपको रेसिंग KTM की बैचिंग देखने के लिए मिल जाएगी राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ, यहाँ पे भी आपको रेडिएटर पे KTM की बैचिंग देखने के लिए मिल जाएगी। बाइक जो है भाई बहुत पावर है, बहुत 45.6 का कुछ BHP ये पंप आउट करके देती है आपको, जो कि मुझे बहुत लगता है मोर देन इनफ है एज अगर आप बिगिनर बाइक लेने जा रहे हो तो। आपको यहाँ पे बाहर एक एग्जॉस्ट निकला हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। पीछे के टायर्स की बात करें तो 17 इंच अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिल जाएंगे आपको फ्रंट। ओके, 17 इंच अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिल जाएंगे, पीछे भी आपको ट्यूबलेस टायर्स देखने के लिए मिल जाएंगे आपको। और पीछे के सेक्शन की बात करूँ तो भाई पीछे का सेक्शन यहाँ पर दिख नहीं रहा, एक बार मैं देख के बता दूँ आपको, 150/60 का आपको पीछे का टायर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे हगर भी आपको KTM की ब्रांड का देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे पीछे। ओके, ये पीछे का टायर जो है वो काफ़ी ब्रॉड है वैसे। यहाँ पे साइड में आपको साड़ी गार्ड देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आप आफ्टर मार्केट हटवा भी सकते हैं किसी को लाइट वेट करनी हो बाइक तो। और पीछे भी आपको KTM की बैचिंग देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे बैक लाइट जो है KTM की ऐसी कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगी, पीछे आपको इंडिकेटर्स ऐसे कुछ देखने के लिए मिल जाएंगे। और 6-speed गियर बॉक्स है जैसा कि मैंने आपको बताया, 1 down बाकी सारे अप। साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा, जिनको नहीं पता साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर क्या होता है मैं बता देता हूँ। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपने बाइक स्टार्ट करी, स्टार्ट करने के बाद में आपने गियर में ढाली और साइड गियर में ढाल के आप आगे लेके गए बाइक को, लेकिन साइड स्टैंड लगा हुआ है तो बाइक ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, इसका मतलब होता है साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है सेफ्टी मेजर्स के हिसाब से भी। पीछे की बात करते हैं यार इसके शॉकर्स की, तो शॉकर्स आपको इसके अंदर 10
10 मतलब कि इसमें पैटर्न्स है शॉकर्स के अंदर, जिससे आप सेट कर सकते हो कि आपको स्टिफ चाहिए सस्पेंशन या बहुत ही ज़्यादा हार्ड चाहिए या बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए, वो आप यहाँ से पूरा सेट कर सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे आप कंपनी में आके सेट करा सकते हो। ओके, चैचिस जो है वो स्प्लिट कर दिया है, अभी आपको पता ही होगा ड्यूक 250 में, ड्यूक 200 में, सब में स्प्लिट कर दिया है। ड्यूक 125 तक में यहाँ तक की स्प्लिट चैचिस कर दिया है, क्योंकि इससे लाइट वेट हो जाती है बाइक। और भाई इसका वेट है ना बहुत कम है, बहुत कम। अगर एज आप बिगिनर डायरेक्ट 390 पे जाना चाहते हो तो मैं आपको बोलूँगा कि आप 250 लो या 200 लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 390 बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड है भाई इसमें। मतलब आपको जो पावर है वो संभलेगी नहीं आपसे इतना, मतलब इसका थ्रॉटल ट्यूस्ट है ना, मतलब ये 80-100 तो भाई ऐसे चल जाती है आपको पता भी नहीं चलेगा, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड जिसे कहते हैं ना उसमें। और भाई बाइक जो है वो काफ़ी अच्छी है, अगर आप एज ए बिगिनर लेना चाह रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको ड्यूक 250 पे जाएँ या ड्यूक 200 पे जाएँ। बट अगर आप प्रो राइडर हो या इंटरमीडिएट राइडर हो तो आप ड्यूक 390 पे जा सकते हैं भाई। इसका माइलेज जो है वो थोड़ा कम है, लेकिन आपको पावर बहुत अच्छी पंप आउट करके देगी है। माइलेज की बात करें तो माइलेज आपको इसका 20 से 25 मान लो भाई, लास्ट। और ट्रैफिक टू ट्रैफिक अगर आप इसको चलाओगे, सिटी में चलाओगे, तो भाई ये हीट करेगी। मैं आपको एक बात और पहले क्लियर कर दूँ। ओके, तो ऐसा कुछ इसका रिव्यू था, डिटेल रिव्यू भाई, वन बाय वन करके हमने सारी चीज़ों की बात करी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। और अगर आपको और भी KTM की बाइक की वीडियो देखनी हो तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, मैंने बना रखी है।